हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है लेंदी होने वाला है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पर्टिकुलर्स आएंगे एक एक हेडिंग्स पे। देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं और कौन से हेडिंग कहाँ कहाँ पे जाएंगे। एग्जैक्ट आंसर्स एक्सप्लेनेशन में मैं आपको इस बार नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें, आप कोशिश करें, और आपके कोशिश के बाद मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करके दूंगा यानी बना के रखूँगा आपके लिए। ठीक है, कोशिश इसलिए करना है ताकि आपको पता चले कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही अपलोड करते जाऊँगा साइमल्टेनियसली, तो आप आदत हो जाएगा कि सॉल्यूशन आ रहा है तो लेके छाप दो। तो वो आदत नहीं रखना है मुझे, और वो आदत अच्छी भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर ये सारी चीज़ें नहीं दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्व नहीं करना है या डिराइव नहीं करना है वो सारी चीज़ें। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको बोलेंगे सिंपली फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, सो एंड सो, जो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पर्टिकुलर्स है, रुपीज़ है। ठीक है, तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, यानी ये सारे डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स के एक्सपेंडिचर्स के इसमें जाएंगे, और प्राइम कॉस्ट के लिए कहीं ना कहीं हमें ये काम आएगा। उसके बाद फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स है, इनडायरेक्ट वेजेस है यानी फैक्ट्री के वेजेस है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, पावर यानी फैक्ट्री में जो यूज़ हो रहा है वो, मतलब ये सारे वर्क्स कॉस्ट के जो टोटलिंग है उसमें, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर ये सारे आएंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस ये सारे कॉस्ट मिलाकर होगा वर्क्स कॉस्ट। देखिए फैक्ट्री और भी है, यहाँ पे भी है, वाटर पे भी है, लीगल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो ऑफिस स्टेशनरी है, ये ऑफिस एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। डायरेक्ट रेमुनरेशन, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन है फैक्ट्री का, प्लस डायरेक्टर्स रेमुनरेशन ऑफिस का। देखिए जो ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा है वो फैक्ट्री में जाएगा, जो ब्रैकेट में ऑफिस लिखा है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स, वाटर सप्लाई फैक्ट्री स्पेसिफाई किया है तो फैक्ट्री के इसमें जाएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री इंश्योरेंस अगेन फैक्ट्री ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस के इसमें जाएगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस है, डेप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इज नथिंग बट योर फैक्ट्री। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन है। ठीक है, बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग, सैलरीज ऑफ सेल्समैन, ये सारा एडवर्टाइजिंग और सैलरीज कहाँ पर जाएगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अपकीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन ऑपरेशन है ये। बैंक चार्जेस है 100, कमीशन ऑन सेल्स, रेंट एंड रेट्स ऑफिस, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, आउटपुट टर्न्स, सेल्स एट द रेट ₹40 पर यूनिट, ये पर यूनिट का प्राइस है और ये आपका टोटल अमाउंट है, यूनिट भी हो सकता है। देखिए मैं आपको अभी कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें, कोशिश करें, आपके अंदर क्वेरीज आए कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें मुझे नहीं समझ रहे वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन का वीडियो देखेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा कि कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन पूरा लिखना है, आपकी तरफ से 2-3 बार सॉल्व करना है, आपको लगता है कि आंसर राइट है आपके पास ही सॉल्यूशन रखिए। जैसे सॉल्यूशन का वीडियो आएगा पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपका लॉजिक जो आपने लगाया वो देखिए, जो मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा वो आप कंपेयर कीजिए कि कैसा है क्या है। ठीक है, आपका आंसर राइट है तो वेरी गुड, आप अगले लेवल के क्वेश्चन के लिए रेडी हो। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो भी आप रेडी हो, लेकिन आपको थोड़ा रेक्टिफाई या चेंजेस करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अगले लेवल का जो सॉल्यूशन है वो शायद आपको जम आएगा। ठीक है, जिसका आंसर रॉन्ग आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिमोटिवेट होना है और सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करना बंद करना है। जिनका रॉन्ग आ रहा है वो कोशिश करें 2-3 बार,
जब सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सॉल्यूशन देखने के बाद भी खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड ट्राई दिस, लेट्स सी किन किन लोगों का राइट आता है, ठीक है? थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।